रियलिटी शो बिग बॉस इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि बिग बॉस का सीजन 16 चल रहा है और इन सब के बीच एक कंटेस्टेंट अब्दू रोजिक ने लोगों का दिल जीत लिया है। अब्दू महज 19 साल के हैं। अब्दू रोजिक बिग बॉस 16 का हिस्सा बन चुके हैं। वो काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं। उनकी क्यूटनेस और सच्चेपन के कारण उन्हें जनता और घर के सदस्यों का खूब प्यार मिल रहा है। कंटेस्टेंट बने अब्दू रोजिक कुछ ही दिनों में सबके दिलों की जान बन गए हैं। घर में वो सभी के अच्छे दोस्त हैं। केवल बिग बॉस के घर में ही नहीं बल्कि देश दुनिया से भी उन्हें जमकर प्यार मिल रहा है। इसका कारण उनका नेचर और सबको हंसाते रहने का टैलेंट है। यही कारण है कि सेलिब्रिटीज भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। कुछ समय पहले उनका बर्गर खाते हुए एक वीडियो भी काफी पॉपुलर हुआ था, जिसमें वह बर्गर को बुर्गर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने छोटा भाईजान भी गाया। इसके अलावा भी वो कई वीडियोस में सलमान खान को कॉपी करते भी नजर आ रहे हैं। अब्दू की पॉपुलैरिटी का आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ही सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगे। यह फिल्म 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है। सभी लोग फिल्म में उन्हें देखने के लिए काफी बेताब हैं। बिग बॉस शो में अब्दू काफी अच्छा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अब्दू लंबे समय तक टिके रहेंगे और शो की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे। कुछ हो या ना हो, यह तो तय है कि वो जब भी घर से जाएंगे तब बहुत सी यादें लेकर जाएंगे और लोगों की आंखें जरूर नम होंगी। आपको बता दें कि अब्दू रोजिक आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका तजाकिस्तान से लेकर भारत में अपना नाम बनाने का सफर इतना आसान नहीं रहा। वो देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन उनका संघर्ष उन्हें बड़ा बना देता है। अब्दू रोजिक तजाकिस्तान के रहने वाले हैं। उनके पिता माली थे। बिग बॉस के शो में अब्दू ने खुद बताया था कि वो बेहद बुरे दौर से गुजरे हैं। वो इतने गरीब थे कि बारिश के दौरान उनके घर की छत टपकने लगती थी। इन सब चीजों के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जीवन में कुछ कर दिखाया है।